सब लोग बाकी लोग के हाथ लगाइए भाई, ऐसा होगा। राजनीति का मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत उपलब्धियां हैं। विपक्ष का काम है मोदी विरोध, मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतरा था। कार न्यूज़ पुणे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से यह अपील की है कि वो अपने घर के आसपास के मंदिरों को साफ करें। आपको बता दें सफाई अभियान जो है वो 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चलाने की अपील की है। कड़ी में भाजपा के नेता ऋतुराज सिन्हा अपने घर के बगल में अकुर्जी मोड़ पर एक महामृत्युंजय शिव मंदिर में साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ऋतुराज सिन्हा पहुंचे हैं और सुबह से ही साफ सफाई में जुट गए हैं। पहले आपको दिखाते हैं सब लोग बाकी लोग के हाथ लगाइए भाई, ऐसा हो ढंग दे आदमी तो घबरा। आज राजनीति का मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतुल्य रूप से गरीब कल्याण का कार्य पिछले 10 सालों में किया। जिस तरह का विकास इस देश में हुआ है, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बिल्डिंगें हो, वो अद्वितीय है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा हम कभी कभी कम करते हैं वो है हिंदू समाज के पुनर्जागरण का, हिंदू समाज में पुनः एक गौरव का भाव जगाने का, हमारे युवाओं में हमारे संस्कार संस्कृति को लेकर एक जागृति फैलाने का। तो मुझे लगता है किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने संस्कृति अपने संस्कार पे गौरव हो, तभी हमारा जो देश है वो लंबे अरसे तक उसकी पहचान बनी रह सकती है। लेकिन राजनीति इसको लेकर हो रहा है मंदिर को, तो हो सकता है स्वच्छता अभियान को लेकर भी राजनीति हो विपक्ष की तरफ से। देखिए विपक्ष का काम है मोदी विरोध, मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतरा था। मैं आपको उदाहरण देता हूं, देश पुलवामा का अटैक के बाद हम जाके अटैक करते हैं पड़ोसी देश के ऊपर तो वो आर्मी पे ही सवाल उठाने लगते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि वो किस देश में है। हिंदू समाज और भारत पे सवाल उठाना, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करना, ये उनके लिए घातक होगा। जो आज राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं कल जनता उनका बहिष्कार करेगी। सर उनको क्या कहेंगे जो घर में तो पूजा करते हैं लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो उन्हें करते हैं राजनीतिकरण हो रहा है। नहीं देखिए मैं इसमें गंभीर रूप से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेसी नेता है ये गलत एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, 1960 के समय जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण होकर तैयार हुआ, नेहरू जी को बुलाया गया तो नेहरू जी सोमनाथ मंदिर में जाने से उन्होंने मना किया, बल्कि साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया कि आप मत जाइए। लेकिन राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कहा कि मेरा राजनीति और मेरा धर्म ये अलग अलग विषय हैं और राजेंद्र बाबू बिहार के राजेंद्र बाबू भारत रत्न राजेंद्र बाबू कायस्थ कुल शिरोमणि राजेंद्र बाबू गए, वो भी कांग्रेसी थे। तो मैं तो कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि खाली नेहरू मॉडल का है फॉलो करते हैं, अरे कांग्रेस में ही सरदार पटेल थे, कांग्रेस में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते। तो आपने सुना ये ऋतुराज सिन्हा ने क्या कहा, उनका कहना साफ तौर पर है कि ये जो मंदिरों का सफाई अभियान है इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि विपक्ष भूल जाती है
कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कब हिंदू विरोधी हो जाती है और कब देश विरोधी हो जाती है। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।